प्रेमी के बेवफाई पर प्रेमिका ने पहले प्रेमी को जेल भेज दिया और फिर जज से गुहार लगाई कि वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है। सिविल कोर्ट के जज ने जब प्रेमिका के इस आवेदन को देखा तो वह चौंक पड़े। उन्होंने जेल में बंद प्रेमी और प्रेमिका के वकीलों से मामले के बारे में पूछा तो दोनों पक्षों ने कोर्ट में जज के सामने कहा कि प्रेमी और प्रेमिका अब शादी को राजी है, दोनों में सुलह हो गई है, दोनों की शादी की इजाजत दी जाए। अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों के इस प्रेयर को जज ने गंभीरता से सुनी और शादी की इजाजत दे दी। दरअसल शुक्रवार यानी 3 नवंबर को औरंगाबाद सिविल कोर्ट में जब यह मामला आया जिसमें एक प्रेमिका ने प्यार में धोखा देने के आरोप में एक प्रेमी को महीनों पहले जेल भेज दिया और अब जेल में बंद प्रेमी से शादी करने की गुहार लगाई तो जज ने प्रेमिका की गुहार पर विचार करते हुए जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि शनिवार को यानी 4 नवंबर को बंदी के साथ कोर्ट परिसर में स्थित मंदिर में आए और दोनों प्रेमी प्रेमिका की रजामंदी पर शादी संपन्न करा दें। न्यायाधीश के निर्देश पर शनिवार यानी 4 नवंबर को जेल से प्रेमी को हथकड़ी पहनाकर लाया गया और प्रेमिका दुल्हन की तरह सजकर शादी के लिए तैयार थी। ऐसे में प्रेमी जोड़े की शादी धूमधाम से कराई गई। इस शादी के गवाह बने कोर्ट के सैकड़ों अधिवक्ता और स्थानीय लोग के साथ साथ दोनों के परिजन। दरअसल प्यार और धोखा के बाद शादी की इस अद्भुत कहानी को देखने और सुनने वालों की भीड़ औरंगाबाद के सिविल कोर्ट कैंपस स्थित मंदिर में लगी थी। बारून प्रखंड के दुधारू गांव की रहने वाली पूनम और बारून प्रखंड के ही जनकोप गांव के रहने वाला राजकुमार गुप्ता की आंखें पढ़ाई के दौरान पटना में आंखें चार हुई थी। दोनों ने साथ जीने और मरने की कस्में खाई और फिर क्या था, मुंबईया फिल्म की तरह उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। लेकिन दोनों की जाति अलग अलग होने के कारण विवाह में संकट भी थी। इसी बीच प्रेमी राजकुमार के एक रिश्तेदार की मौत हो गई जिसके बाद प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया। प्रेमी के इनकार के बाद प्रेमिका बिफर गई और अपने प्रेमी राजकुमार के खिलाफ बारून थाना में मुकदमा दर्ज करा दिया। बारून के तत्कालीन थानेदार धनंजय शर्मा ने लड़की के आक्रोश को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर जेल जाने के बाद प्रेमी को प्रेमिका के प्यार का एहसास हुआ और तब दोनों के परिजनों ने एक दूसरे को मिलाने का फैसला लिया और दोनों परिवारों में आपसी सहमति बनी। इसके बाद जब प्रेमिका को भरोसा हो गया कि उसका प्यार उसे मिल जाएगा तो प्रेमिका ने न्यायालय से प्रेमी की शादी कराने की गुहार लगाई, जिसका फायदा यह हुआ कि उसकी शादी शनिवार को धूमधाम से संपन्न हो गई। परेशानियाँ बहुत सारी हुई लेकिन फिर भी एंड में जो हुआ अच्छा हुआ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि लव इज नॉट क्राइम, लव इज लाइफ, लव इज वर्शिप। कहाँ कहाँ न्यायालय में शरण क्यों लेना पड़ा? क्योंकि इनके फैमिली वाले रेडी नहीं। अब क्या स्थिति है, शादी के बाद कैसा लग रहा है? क्या नाम हुआ तुम्हारा? नंबर। क्या परेशानियां हुई थी, क्यों ऐसा मंदिर में क्यों शादी कराना पड़ा कोर्ट के बाद? बस गलत फहमी हुई थी सर, इसको लगा कि हम इसको छोड़ के भाग रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे कुछ परेशानी हो गई थी जिसके वजह से हम इसके समझ नहीं थे, इसको लगा कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, इसके वजह से कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, हम हमेशा इसके साथ रहे हैं और रहेंगे। आखिर लड़की के द्वारा तो प्राथमिकी दर्ज की गई, उसी के कारण तुम जेल में गए, तो क्या जेल में जाने के बाद कोई खटास तो नहीं ना हो गया? नहीं नहीं, प्रेम और प्रकार जेल का सजा काटना पड़ा।
जेल का सजा गलतफहमी के वजह से काटना पड़ा, इसको लगा कि हम छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। हम हमेशा इससे शादी करने के लिए तत्पर थे, हमारे घर जीएन भी तत्पर थे। क्या नाम हो गया? राजीव कुमार गुप्ता। लेकिन इस प्रेम कहानी का दुखद पहलू यह रहा कि शादी के बाद प्रेमी को फिर से जेल भेज दिया गया, क्योंकि उसे जेल से ही लाया गया था। अब अपने प्रेमी को जेल की कैद से रिहा कराने को लेकर प्रेमिका ने अपने वकीलों के साथ न्यायालय से गुहार लगाई है। शादी के बाद दुल्हन बनी प्रेमिका तो ससुराल चली गई, लेकिन दूल्हा शादी के लड्डू का स्वाद चखे बगैर हाथों में हथकड़ी लगाए सरकारी ससुराल यानी जेल लौट गया। बहरहाल इस प्रेम कहानी में प्यार, धोखा और शादी के बाद बिछोह का दर्द सामने आ गया है। अदालती आदेश पर तय स्थान पर दोनों की बिना बैंड बाजा बारात के शादी तो हो गई, अब प्रेमिका सपना को अपने सपनों के राजकुमार के साथ वास्तविक जीवन का सफर शुरू करने के लिए अदालत की अगली तारीख का इंतजार है, जिस दिन एक बार फिर जज से अपने दूल्हे के लिए बेल देने की चिरौरी वह करेगी। हालांकि मौके पर मौजूद वकीलों का मानना है कि सपना को अब पति अगली तारीख पर ही मिल पाएगा, क्योंकि शादी करने की अदालती शर्त पूरी हो गई है। कोर्ट की भूमिका तो बहुत अच्छा रहा और प्रयास हम लोग करते रहे कि किसी तरह से ये जो है कि जमानत मिल जाए और इन लोग बाहर आ जाए, लेकिन हम लोग ने सोचा कि पहले इन लोग कोर्ट परिसर में ही और जेल के अंदर ही शादी कर लें, उसके बाद जमानत। ऐसा कोर्ट का ऐसा आदेश है कि हम आप लोग को व्यवस्था बना दे रहे हैं, आप लोग को जो करना है कोर्ट के अंदर में टेम्पल में अंदर में कर सकते हैं। और हम लोग पहले दोनों जेल से भी और बाहर से भी दोनों ज्वाइंटली पिटीशन वहां पर पड़ा है, लड़का की तरफ से लड़की की तरफ से। उस वो पिटीशन को उन लोगों ने न्यायालय ने न्यायाधीश ने एग्री किया और शादी के लाने के लिए जो है से कि अपना जेल सुप्रिंटेंडेंट को आदेश दिए कि शादी के लिए आप उन लोग कैदी को लेकर के आइए, यहाँ पर कोर्ट परिसर के टेम्पल में मंदिर में इन लोग शादी करेंगे, पुनः फिर इन लोग जेल के अंदर जाएंगे, फिर हम लोग इसके लिए जमानत याचिका के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे। और इसी के आधार पर न्यायाधीश महोदय ने हम लोग को, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रणधीर कुमार सिंह, अधिवक्ता। पर कोर्ट की अगली तारीख का इंतजार सपना पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि बिना दूल्हे के वह दुल्हन कैसे? खुलासा के लिए औरंगाबाद से दीनानाथ मवार की ये खास रिपोर्ट।